नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने पिछले दो वीडियोज के अंदर है सबसे पहले रहीमदास जी का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व यानी उनका साहित्यिक परिचय हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने रहीमदास जी के कुल चार पदों का अध्ययन किया था। उसके बाद में आज उनका पद नंबर 5, 6, 7 और 8 जो चारों पद हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उनके बारे में क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पद नंबर 5 कि काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहमन बहुरी के बहे नदी सिरावत मोर। छठवां पद है खैर खून खासी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। सातवां पद है जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहते भुजंग। और आठवां उनका पद है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारो उजियारो करे बड़े अंधेरो हो। ये चार पूरा पद हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। तो देखिए पद नंबर 5, इस पद नंबर 5 में रहीमदास जी क्या कहते हैं, उससे पहले आप शब्दार्थों के अर्थ देखिए कि काज परे यानी मनुष्य जीवन में काम पड़ने पर, काज परे मनुष्य जीवन में काम पड़ने पर, कछु और यानी काम पड़ने पर उसके अनुसार क्या करता है, आचरण करता है। उसके अनुसार मनुष्य क्या करता है, आचरण करता है। काज सरे काज यानी काम निकल जाने पर, काम सरे निकल जाने पर कछु और विपरीत व्यवहार करने लग जाता है। रहीमन भवरी के भय, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार भवरी यानी फेरों के समय, जिस प्रकार फेरों के समय, फेरों के भवरी का अर्थ है फेरों के समय, नदी सिरावत मोर, जो मोर होता है, जो मोर होता है जो हमारे मस्तक पर पहना जाता है वो मान सम्मान को, मान सम्मान का प्रतीक होता है, लेकिन उसे नदी सिरावत, नदी के अंदर सिरावत यानी फेंक देना, नदी के अंदर उसको क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है। यानी प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहाँ वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के बहे नदी सिरावत मोर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य जीवन में अगर मनुष्य को कुछ कार्य पड़ता है तो उसके अनुसार आचरण करता है, लेकिन कार्य पूर्ण हो जाने पर उसके विपरीत व्यवहार करने लग जाता है। जिस प्रकार से जो मोर होता है फेरों के समय, एक मोर जो हमारे मस्तक के ऊपर धारण किया जाता है, जब तक फेरे पूर्ण नहीं होते तब तक तो वो हमारे लिए मान सम्मान का प्रतीक होता है, लेकिन जैसे ही फेरे पूर्ण होते हैं उसी मोर को नदी के अंदर फेंक दिया जाता है। यानी कवि क्या कहता है कि काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन बहुरी के वहे नदी सिरावत मोर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि काज परे कछु और, कि मनुष्य को अगर कुछ कार्य होता है तो उसके अनुसार आचरण करता है, काज सरे कुछ और काम निकल जाने पर उसके विपरीत व्यवहार करने लग जाया करता है। जिस प्रकार से रहीमन रहीमदास ने कहा भंवरी के बहे यानी फेरों के समय जो मोर होता है वो मान सम्मान का प्रतीक होता है, लेकिन नदी सिरावत फेरे पूर्ण होते ही उसे नदी सिरावत यानी नदी के अंदर क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। कि काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के बहे नदी सिरावत मोर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य जीवन में अगर किसी को कार्य होता है तो उसके अनुसार आचरण करता है और अपना कार्य पूर्ण होते ही उसके विपरीत व्यवहार करने लग जाया करता है। जिस प्रकार से रहीमदास ने कहा कि फेरों के समय जो मोर होता है वो मान सम्मान का प्रतीक होता है, लेकिन मनुष्य के फेरे जैसे ही पूर्ण होते हैं नदी सिरावत उसी मोर को नदी के अंदर फेंक दिया जाता है। अर्थात मनुष्य जीवन हमेशा स्वार्थ भावना पर आधारित होता है। अतः प्रथम पद में हमें स्वार्थ भावना के बारे में बताया गया है। मनुष्य जीवन हमेशा किस पर आधारित होता है, स्वार्थ भावना पर आधारित होता है। इसके बाद में रहीमदास जी का जो दूसरा पद है इसमें क्या बताया गया है कि खेर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहां। खेर यानी कुशलता का होना, खेर कुशलता का होना, खेर कुशलता का होना, खून किसी की हत्या करना,
किसी की हत्या करना, खांसी खांसी का होना, खांसी खांसी का होना, खुशी प्रसन्नता का भाव होना, खुशी प्रसन्नता का भाव होना, बैर किसी से शत्रुता होना, बैर शत्रुता होना, प्रीति किसी से प्रेम होना, मदपान शराब का सेवन करना, शराब का सेवन करना, शराब का सेवन करना, यानी कि खैर मनुष्य जीवन में कुशलता का होना, खून किसी की हत्या का होना, खांसी का होना, खुशी प्रसन्नता का भाव होना, बैर किसी से शत्रुता होना, प्रीति किसी से प्रेम होना, मद और शराब का सेवन करना, रहीमन रहीमदास ने कहा दाबे ना दबे, यानी कि मनुष्य छुपाने का प्रयास करता है, छुपाने से भी न दबे नहीं चुपती, छुपाने से भी नहीं चुपती, बल्कि जानत पहचान हो जाती है, जानत पहचान हो जाती है, सकल जहान पूरे संसार को इसके बारे में क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है, पूरे संसार को इसके बारे में क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि खैर कुशलता का होना, खून हत्या का होना, खांसी का होना, खुशी यानी प्रसन्नता का होना, बैर किसी से शत्रुता का होना, प्रीति किसी से प्रेम का होना, मद और मनुष्य जीवन में शराब का सेवन करना, रहीमदास जी कहते हैं दाबे ना दबे, छुपाने भी से भी नहीं छुपते, बल्कि जानत सकल जहान और पूरा संसार को इसके बारे में क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यह वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुशलता का भाव होना, किसी की हत्या करना, मनुष्य जीवन में उसके खांसी का होना, उसमें प्रसन्नता का भाव होना, किसी से शत्रुता होना, किसी से प्रेम होना और श्राप का सेवन करना, मनुष्य जीवन के वो ऐसे पहलू हैं, अगर मनुष्य इनको छुपाने का प्रयास करता है तो ये बातें नहीं चुपती, बल्कि पूरे संसार को इनके बारे में ज्ञात हो ही जाता है। इस प्रकार से हमें इसका क्या करना है, अर्थ करना है। इसके बाद में जो उनका सातवां पद आता है रहीमदास का कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग चंदन विष व्याप्त नहीं लगते रहते भुजंग। अब यहाँ पर मानवीय जीवन में संगत के महत्व के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो रहीम रहीमदास ने कहा उत्तम प्रकृति यानी उत्तम चरित्र वाला, उत्तम प्रकृति उत्तम चरित्र वाला का करी सकत कुसंग उसका बुरी संगत कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी जो व्यक्ति उत्तम चरित्र वाला होता है उसका बुरी संगत कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस प्रकार से चंदन चंदन का जो वृक्ष होता है विष से व्याप्त नहीं लपटे रहते भुजंग यानी सर्प, यानी कि जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन उस चंदन के वृक्ष के ऊपर सर्पों का जो विष का प्रभाव है वो विषहीन होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, प्रस्तुत पद्यांश में रहीमदास ने कहा कि जो व्यक्ति उत्तम चरित्र वाला होता है का करि सकत कुसंग उसका मनुष्य जीवन में बुरी संगत कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहते भुजंग, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन विष व्याप्त नहीं, उन सर्पों के विष का असर है उस चंदन के वृक्ष के ऊपर कभी नहीं पड़ता है। यानी इस पद्यांश का, इस पद का अर्थ हमें इस प्रकार से करना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम चरित्र वाला होता है, उत्तम प्रकृति का होता है, उसका मनुष्य जीवन में बुरी संगत कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जिस प्रकार से चंदन का वृक्ष होता है उसके ऊपर अनेक प्रकार के सर्प लिपटे होते हैं लेकिन उस सर्पों के विष का प्रभाव है वो चंदन के वृक्ष के ऊपर कभी नहीं हमें पड़ता दिखाई देता है। इस प्रकार हमें इसका क्या करना है, अर्थ करना है। इसके बाद में जो उनका आठवां पद आता है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारों करे बड़े अंधेरों को। जो रहीम अतः रहीमदास ने कहा गति दीप की, गति यानी दीप यानी दीपक की, दीप यानी दीपक की, यानी कि अपने कुल में दीपक की लो, दीपक की लो, और कुल कपूत और अपने कुल में
कपूत यानी कुपुत्र का जन्म होना, कपूत यानी कुपुत्र का जन्म होना, गति होती है वो दोनों की क्या होती है, सम्मान होती है। दोनों की गति क्या होती है, सम्मान होती है। बारो उजियारो करे और बड़े अंधेरो हो। अब देखो इसका जो रहीम गति दी थी, यानी कि यहां पर दीपक को और कुपुत्र को बिल्कुल सम्मान बताया गया है। कैसे, यानी कि सबसे पहले दीपक होता है, जब तक दीपक जलता रहता है प्रकाश देता रहता है, जब तक दीपक जलता रहता है प्रकाश देता रहता है, लेकिन जैसे ही दीपक की लो बुझ जाती है तो वहां पर काली की छा जाती है, अंधेरा छा जाता है। उसी प्रकार से अपने कुल में जो पुत्र का जन्म होता है, पुत्र जन्म के समय तो काफी खुशियां मनाई जाती है, लेकिन वही पुत्र अपने कुल में बड़ा होकर बुरे कार्य करता है, कुपुत्र बन जाता है, तो उसकी गति है उस दीपे हुए, उस बुझे हुए दीपक की लो के समान हो जाती है। जो बारो उजियारो करे, जो दीपक जलता है तब तक उजाला करता है, जो पुत्र जन्म लेता है चारों तरफ प्रकाश फैलाता रहता है, बड़ो अंधेरा हो लेकिन दीपक की लो बुझ जाने पर अंधेरा छा जाता है, कुपुत्र के बुरे कार्य करने पर चारों तरफ निराशा का भाव छा जाता है। यानी कि यहाँ पर दीपक को माध्यम बनाकर कुपुत्र के ऊपर कटाक्ष किया गया है। तो देखो कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारो उजियारो करे बड़े अंधेरो होई। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो रहीम गति दीपक की, कि जिस प्रकार से दीपक की लोक की गति होती है वैसी ही गति अपने कुल में कुपुत्र की होती है। अतः दोनों की गति हमेशा एक सम्मान होती है। जिस प्रकार से दीपक की लो जब तक जलती रहती है, बारो उजियारो करे उजाला करती रहती है, वहां प्रकाश फैलता रहता है, लेकिन बड़ो अंधेरो होय दीपक की लो बुझ जाने पर वहां पर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार से बारो उजियारो करे अपने कुल में जब पुत्र जन्म लेता है तो चारों तरफ खुशियां प्रसन्नता का भाव छा जाता है, बड़े अंधेरों होए लेकिन वही पुत्र बड़ा होकर बुरे कार्य करता है तो चारों तरफ निराशा का भाव छा जाता है। यानी जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारो उजियारो करे बड़े अंधेरों होए, कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहां वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो रहीम गति दीप की रहीमदास जी कहते हैं कि दीपक की और कुपुत्र की गति एक सम्मान होती है। जब तक दीपक की लो जलती रहती है चारों तरफ प्रकाश फैलता रहता है, और जैसे ही दीपक की लो बुझ जाती है चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। उसी प्रकार से जब अपने कुल में पुत्र का जन्म होता है तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है, खुशियां ही खुशियां छा जाती है, लेकिन वही पुत्र बड़ा होकर अगर कुपुत्र बन जाता है, बुरे कार्य करता है, तो वही बचपन की जो खुशियां है वो किस में बदल जाती है, निराशा में बदल जाती है। यानी कि प्रस्तुत यहाँ पर देखें तो पांचवें पद में मनुष्य जीवन में कि मनुष्य कैसे आचरण के समय कैसे कैसे कार्य करता है, यानी काम पड़ने पर कैसा व्यवहार करता है और काम निकल जाने पर मनुष्य के साथ में कैसा व्यवहार करता है। यानी इस पद्यांश में स्वार्थ भावना की बात कही गई है। यहाँ पर कुशलता का होना, हत्या का होना, खांसी का होना, प्रसन्नता का होना, शत्रुता का होना, प्रेम का होना, श्राप का सेवन करना, मनुष्य जीवन के वो ऐसे पहलू है जो मनुष्य छुपाने का प्रयास करता है लेकिन कभी छुपा नहीं पाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर मनुष्य जीवन में चरित्र की बात कर रहा है और बुरी संगत की बात कर रहा है कि जो उच्च चरित्र वाला व्यक्ति होता है उसका बुरी संगत कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसी प्रकार से यहाँ पर दीपक की और कुपुत्र की समानता के बारे में बात कही गई है कि जब तक दीपक जलता है प्रकाश देता है, उसी प्रकार पुत्र जन्म के समय खुशियां रहती है, लेकिन दीपक जैसे ही बुझा दिया जाता है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। उसी प्रकार से वही पुत्र बड़ा होकर अगर बुरे कार्य करता है तो चारों तरफ निराशा का भाव छा जाता है। इस प्रकार से आज हमने रहीमदास जी के और चार पदों का अध्ययन किया। अब आगे आने वाले जो भी रहीमदास जी के अन्य पद होंगे उनका विस्तार पूर्वक हम अगले वीडियोज के अंदर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।